हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सावल क्लासेस। कैसे हो आप सभी? मैं विनीत कुमार इस सीटेट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज की इस क्लास के अंदर हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो न्यू दिल्ली सीबीएसई न्यू दिल्ली या सीटेट का जो पेपर होता है ओरिजिनल पेपर सोल्यूशन हम लोग करेंगे। यह पेपर जो है वो सीटेट का जो पेपर है वो जनवरी 2021 पेपर 1, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जनवरी 2021 में आयोजित हुई थी उसका पेपर 1 जो है कॉमन पेपर दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र है जो उसके बारे में हम लोग उस पेपर के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वहीं जो जैसे उसका ये पेपर जो है वो जनवरी 2021 में आ चुका है तो बिल्कुल आप लोग जो है वो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे और उसके चार ऑप्शंस पर जाएंगे और उसके पश्चात जो है वो हम लोग आंसर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं सीटेट के किसी भी ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को और क्लिक कर ले बेल आइकन पर फॉर द ऑल नोटिफिकेशन सावल क्लासेस यूट्यूब चैनल के लिए। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है प्रेस करके जो है ताकि आपको समय समय पर जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारा जो है वो ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जनवरी 2021 सीटेट का जो CDP का पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys do not cry." This statement by the father. एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, मतलब खेल चल रहा था तो रोहन को चोट लग गई बच्चे को, तो यह देखकर उसके पिता ने रोहन से क्या कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो और लड़के रोते नहीं है, इसका मतलब लड़कियों को ही रोना शोभा देता है, लड़कों को रोना शोभा देता नहीं है और रोना जो सिर्फ है वो लड़कियों के लिए बना है। तो पिता का यह कथन जो है वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है या लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूसेस जेंडर बायस एंड प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। तो लैंगिक समानता की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा क्योंकि पिता कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि रोती सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो आपको शोभा नहीं दे रहा, ये काम लड़कियों का है। जैसे हम कहते हैं चुगलियां लड़के भी करते हैं पर हम कहते हैं कि गोसिप करना, चुगलियां करना लड़कियों का काम है, तो ये नहीं है। और लैंगिक भेदभाव को बिल्कुल जो है वो कम नहीं कर रहा बल्कि उनको बढ़ा रहा है, लैंगिक भेदभाव को कम नहीं कर रहा बल्कि उनको बढ़ा दे रहा है और कोई चुनौती नहीं दे रहा। तो ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी लड़के फुटबॉल लड़के खेल सकते हैं लड़कियां नहीं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है जहां पर हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे खास फ्रेजेस हमने बना के रख लिए जो उसको सिर्फ वो लड़कियों पर फिट बैठते हैं, लड़कियों के लिए है लड़कों के लिए नहीं है, रोना जो काम है वो लड़कियों का है लड़कियों का बिल्कुल नहीं है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जब हम लेबलिंग कर देते हैं खास लड़की और लड़कियों के लिए कि बात करते हैं खेल की, जैसे हम कहते हैं खेलना जो है वो लड़कों को बेहद पसंद है, फुटबॉल खेलना हो ठीक है जी, तो ये काम लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए जैसे हम कहते हैं कि गोसिप्स करना, शॉपिंग करना, तो ये हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर उनको बांधते हैं। तो पिता का ये कहना कि लड़कों की तरह आप लड़के रोते नहीं है तो लड़कियों की तरह व्यवहार बिल्कुल मत करो, तो ये हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लड़कियां कर सकती हैं लड़के बिल्कुल नहीं। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का जमाना है आजकल, तो क्या होना चाहिए, ए टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, नो द एम्फसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, फोर स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नो फिक्स्ड का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
प्रोग्रेसिव है, बच्चों की प्रगति करनी हमने, ये ध्यान रखना, बच्चों को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करने हमने, तो प्रतिस्पर्धा की बात नहीं आएगी। तो विद्यार्थियों को बिल्कुल अंक तो है लिमिटेड हो गए ना, कभी भी बच्चे जो है वो उनको हम क्लासरूम में सिखाना चाहते हैं, अंकों के लिए नहीं सिखाते, ताकि वो सिखाना उनकी जनरल लाइफ में काम आए। तो बिल्कुल ज्ञान की संरचना के लिए उनको जो है काफी मौके प्रदान करेंगे। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो देखो आजकल जो जमाना है प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होती है, जहां पर क्लासेस के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर आपकी क्लास में 50 बच्ची हैं, तो इसका मतलब 50 ब्रेन्स आर देयर इन योर क्लासरूम। तो वो 50 ब्रेन है, अगर बच्चा एक एक पॉइंट भी बताता है तो उस कंसेप्ट के 50 पॉइंट्स बन गए। तो ज्ञान की संरचना के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए बच्चे को भरसक प्रयास किया जाए और बच्चे को प्रचुर मौके प्रदान किए जाए। एक तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वो बताती है कि वो संकेत देती है कि बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे हैं किसी सवाल को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसने सोचा क्यों ना मैं बच्चों की मदद करूं, उस मदद प्रदान करने का वो फैसला देती है। तो लेव वाइगोत्स्की जो सोशल इंटरेक्शन की बात की थी, जिन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी की बात की थी, तो इस सिद्धांत से अध्यापक की यह योजना क्या है कि वो बच्चों को टेम्परेरी हेल्प देगी, अस्थाई मदद देगी वो बच्चों को, अस्थाई मदद। तो स्टूडेंट बिल्कुल मैं जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूं, क्योंकि ये पेपर जो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल लैंग्वेज है दोनों। नंबर वन है डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। कभी भी डीमोटिवेट तो हम करेंगे नहीं, टीचर कभी भी डीमोटिवेशन का फायदा नहीं उठाएगा, कभी भी किसी भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करना है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना, तो वो टीचर नहीं कहा जाएगा जो बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। कोज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर जो प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना कि बच्चे उस काम को छोड़कर चले जाए, नो, प्रत्याहार कभी नहीं करेंगे हम, निशासन कभी नहीं होगा, कभी नहीं कहेंगे मेरा बच्चा इस काम को बीच में छोड़ दे, तो ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा। अगर देखो अध्यापक बता रहे हैं बच्चों को, अध्यापक क्लास में क्यों है, ताकि वो बच्चों को टेम्परेरी हेल्प करे, बच्चों को असिस्ट करे, तो बिल्कुल जो स्कफ फोल्डिंग की बात है वाइगोत्स्की के सोशल इंटरेक्शन के अंदर, उन्होंने ये बात कही थी कि आप स्कफ फोल्डिंग करो। स्कफ फोल्डिंग की बात उन्होंने की थी, एमकेओ की बात की थी, मोर नॉलेजेबल अदर की बात की थी, और उन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है जी। तो अब जो है स्कफ फोल्डिंग क्या होती है, तो वो टीचर ने क्या देखा, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, तो उसने ये फैसला लिया कि मैं बच्चों को अस्थाई मदद दूंगी, और ये मदद तब तक दूंगी जब तक बच्चे खुद उस काम को करने में सक्षम ना हो जाएं। तो वो स्कफ फोल्डिंग क्या होती है, एक टेम्परेरी हेल्प, एक जो है वो असिस्टेंस, एक जो है असिस्टेंट है, एक प्रकार की सहायता जो है वो बच्चों को दे रही है, ताकि बच्चे उस संघर्ष में से बाहर निकल सके, ठीक है जी। तीसरे का जो है वो दो हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बच्चे की जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, विच इज द करेक्ट। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, ठीक है जी। प्राइमरी होती है, प्राथमिक होती है, और द्वितीयक होती है, सेकेंडरी होती है। तो स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी। स्कूल इज प्राइमरी एंड पीयर्स आर सेकेंडरी, पीयर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली सेकेंडरी, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स। तो जब हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें बताया जाता है कि दो प्रकार के जो ये होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस फैमिली में, वो उसका प्राइमरी एजेंसी है। परिवार में जो जन्म लेता है, वहां से उसका जो है सोशलाइजेशन जो है की भूमिका, सोशलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है। सेकेंडरी में जैसे हमारा पीयर ग्रुप आ गया, या जैसे हमारा मास मीडिया आ गया, तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब फैमिली जो है वो प्राइमरी के अंदर आता है, हमारा नेबरहुड भी हमारे प्राइमरी के अंदर आता है, जो हमारे आस पड़ोस का आला दुआला है, जो हमारी और चीजें जो हमसे कनेक्ट करती हैं, तो उसके बारे में आपने बताया। तो स्कूल जो है प्राइमरी नहीं है,
स्कूल अभी हमने बताया, स्कूल एक सेकेंडरी एजेंसी है जिस बट ये मेन एजेंसी है जहां पर हम लोग फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा का पहला संस्थान है। पियर्स प्राइमरी नहीं है, पियर्स तो हम लोग मैंने आपको बताया कि पियर्स ग्रुप जो है वो सेकेंडरी में आते हैं, बाद में पियर्स बनते हैं, बाद में हमारा ग्रुप बनता है। तो फैमिली एंड मास मीडिया, नो, मास मीडिया तो है, फैमिली प्राइम सेकेंडरी नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्कूल है वो सेकेंडरी एजेंसी है। स्कूल कौन सी एजेंसी है? बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, जन्म लेने के 2-4 साल पहले वो घर में रहता है, उसके बाद स्कूल जाता है। स्कूल क्या एक सेकेंडरी एजेंसी है और परिवार जो है वो एक प्राइमरी एजेंसी है, बिल्कुल ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का पहला कारक है। ए इज द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत है, क्योंकि जो स्कूल है वो सेकेंडरी है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और अगर बात करें स्कूल जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का सबसे पहला संस्थान भी माना जाता है, फॉर्मल एजुकेशन का, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ए एक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसिस दैट, तो गार्डनर की जो थ्योरी थी, हार्वर्ड गार्डनर की, जिन्होंने कहा था कि बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। तो किस पर जोर देता है? क्या बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है? इट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नंबर टू, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन, कि अगर आप एक चीज में बुद्धिमान है तो आप सभी चीजों में बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होता। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। होती है जी, कोई बच्चा होशियार है, कोई होशियार नहीं है, कोई बहुत तेज है, कोई मंद बुद्धि बालक है, कोई कोई सृजनात्मक बालक है। तो किसी की बुद्धि बड़ी प्रखर रूप की है, किसी की बुद्धि जो है वो निम्न स्तर की है, ये भी गलत है। तो वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या कहा था, देर आर सर्वल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे बॉडीली काइनेस्थेटिक, जैसे लिंग्विस्टिक, जैसे इंटरपर्सनल, जैसे इंट्रापर्सनल, जैसे लिंग्विस्टिक। तो काफी सारी उन्होंने बुद्धिमत्ता की दिशाएं बताई। देर आर सर्वल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर स्पेशल भी है, जिसके अंदर म्यूजिकल भी है, जिसके अंदर इंट्रापर्सनल आपका दूसरों के साथ संबंध है, इंटरपर्सनल है जिसके साथ, तो ये सारी बात जो है वो उन्होंने की थी। तो सी इज द राइट आंसर, थर्ड। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार बच्चे जो हैं किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे उस कार्य को स्वीकृति देते हैं। यानी एक बच्चा वो काम कर रहा है ऐसा क्योंकि समाज ऐसा काम कर रहा है, लोग उसे ऐसा काम करने के लिए स्वीकृति देते हैं। तो ये मोरालिटी की कौन सी स्टेज है? तो आपको पता है लॉरेंस कॉलबर्ग जो है उन्होंने प्री कन्वेंशियल, कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल के बारे में बात की थी। तो अब बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी, तो कॉलबर्ग तो बिल्कुल है जो प्रथागत है, तो कन्वेंशियल है, जैसे रीति रिवाज है, जैसे प्रथा बनी हुई है उसी के देखो प्री कन्वेंशियल में बच्चा नैतिकता का पालन दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए और जो है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करता है, ठीक है। दंड से बचने के लिए बच्चा जो है वो करता है। और पोस्ट कन्वेंशियल में वो उन बातों को समझने लग जाता है, जबकि प्रथागत में वो प्रथा पूर्वक काम करता है, जैसी प्रथा है क्योंकि दूसरे लोग इसको स्वीकृति दे रहे हैं तो उस प्रथा के अनुसार वो चलता है। तो दो जो है वो बिल्कुल सही है कन्वेंशियल लेवल के ऊपर, कन्वेंशियल लेवल सेकेंड जो है वो है, पहला प्री कन्वेंशियल है, दूसरा कन्वेंशियल है लेवल है। तो दूसरा लेवल जो है वो स्टेज जो है वो बिल्कुल ठीक है। लिव वेगोस्की सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसिस इंपोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, तो वाइगोस्की का आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो जैसे हमने बात की इनका जो है वो क्या है, सोशो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी जो है लियो वाइगोस्की ने, सोशल कल्चर की बात की थी। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है, एट्रीब्यूशन नहीं है, गुणारोपण नहीं करते, वो मोटिवेशन की बात नहीं करते हैं, तो इक्विलिब्रियम की बात जो है वो जीन प्याजे करते हैं, ये नहीं करते। तो कल्चरल टूल्स, तो उन्होंने कहा था कि जो कल्चरल टूल्स है वो जो है हमारे लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अपने पर्सपेक्टिव के अंदर ये उनके क्वेश्चन में भी क्लियर आ रहा है कि सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स जो है, जो आपके सांस्कृतिक उपकरण है, उनके महत्व पर जोर दे रहे हैं।
जीन पियाजे की बात है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास, जो उनकी स्टेज थ्योरी है, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो फादर भी माने जाते हैं जीन पियाज संज्ञानात्मक विकास के, तो संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, एसआर एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी जिसको कहते हैं, तो और स्कीमास। तो देखो अगर बात करें साइकोलॉजिकल टूल्स, उन्होंने कोई भी अपने थ्योरी के अंदर इस्तेमाल नहीं किए हैं। और एसआर थ्योरी जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्ड, आपने कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है आपने, बिल्कुल वो पढ़ा है। तो वाइगोस्की अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने बात की थी विकास का सीमित क्षेत्र। जेडपी आपके सीखने का जो है वो दायरा, वाइगोस्की ने बात की थी। तो जीन पियाजे स्कीमास बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो स्कीमास हमें पढ़ाया जाता है, तो वो स्कीमास के रूप में इसको वर्णित करते हैं। जो संरचना है स्कीमा क्या होते हैं, ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होते रहते हैं, जो इकट्ठे होते रहते हैं और वो हमारे कॉग्निशन को बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं स्कीमास। तो इन्होंने स्कीमास की बात की, इन्होंने अकोमोडेशन की बात की, इन्होंने इक्विलिब्रियम की बात की, ठीक है जी। तो ये सारी बातें जो है वो जीन पियाजे की ओर से की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे का। तो देखो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनके क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो आपको पता है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी को चार भागों में बांटा है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, तो चार भागों में बांटे। अब इसमें पूछा गया है प्री ऑपरेशनल की थ्योरी, प्री ऑपरेशनल की विशेषता यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की में विकास की मुख्य गुण कौन सा होता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो जीन पियाजे की स्टेज के अंदर क्या विशेषता है। अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीयकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग की बात इन्होंने की है, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियस ऑब्जेक्टिव। तो ये तो स्टूडेंट एबिलिटी टू कंजर्व इनमें आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है जी, पर इसमें नहीं होती। हाइपोथेटिक डिडक्टिव भी बाद में आती है उसके, और अमूर्त सोच का विकास जो है वो हमारे फॉर्मल में शुरू हो जाता है, तो कंक्रीट में थोड़ा होता है लेकिन फॉर्मल में पूरी विकास हो जाती है, अमूर्त सोच जो है विकसित हो जाती है। लेकिन जो सेंट्रेशन इन थॉट है, जो केंद्र विचार सोच में केंद्रीयकरण है, तो बच्चे जो है वो अपने विचार को केंद्र में लाना शुरू कर देते हैं, तो दो इज द राइट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बाद में होती है, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव जो निगमनात्मक क्या होता है, नियमों से उदाहरणों की ओर, तो पहले बच्चों को नियम पढ़ाए जाते हैं फिर उदाहरणें करवाई जाती हैं। और संरक्षण का जो है वो अलग से जो बच्चों को कैटेगराइज का, वो प्री ऑपरेशन की बाद की स्टेज में है, इसको आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हो, तो वो दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, नो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नो सभी के लिए अलग अलग होती है। विकास की दर है ना, कोई भी संस्कृति हो, रेट ऑफ डेवलपमेंट सबका अपना अपना होगा, चाहे घर में दो भाई हैं बहनें हैं चाहे बाहर में है, तो उनका अपना अपना विकास की दर होगी, एक जैसी नहीं होती। और विकास केवल विद्यालय में होता है नहीं, विकास घर में भी होता है, विकास प्लेग्राउंड में भी होता है, विकास आप जहां पढ़ रहे हो खेल रहे हो घूमने जा रहे हो वहां भी आपका होता है। तो विकास केवल बाल्यावस्था नहीं, विकास को तो हम कहते हैं ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है, नेवर एंडिंग ग्रोथ, ये गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता है साथ, तो ये भी सही नहीं है। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल क्या है, फिजिकल, शारीरिक, सामाजिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, इमोशनल, ठीक है जी, तो लिंग्विस्टिक, तो ये बहुत सारा विकास होता है, तो इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है, संवेगात्मक विकास, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो काम करती है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो आपने सीक्वेंस बताना है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू बर्थ, बर्थ टू चाइल्ड जो है बर्थ टू एडोलेसेंट पीरियड तक आपने बताना है, यानी किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम बताना है। तो पहले तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है,
पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, पहले हम कंक्रीट चीजों को सीखते हैं। पहले हम लोग जो है वो कंक्रीट से पहले भी पहले देखो आपने सुना होगा सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के प्रवेश का द्वार है। तो सेंसेस कम फर्स्ट, बच्चा जो है सबसे पहले अपनी सेंसेस से सीखना शुरू करता है। जो फाइव सेंसेस आर देयर, फाइव सेंसेस से वो काम करना देखना उसको वो सारी चीजें जो है वो सेंस से शुरू होती है। आपने बच्चे को टच किया, बच्चे ने आपको, आपने उसके चीक्स पर हाथ रखा तो बच्चे ने स्माइल कर दिया, तो आपकी जो सेंस काम की उसकी, ठीक है जी, उसको टच हुआ तो बाय टचिंग आपने वो सेंस उसकी काम कर गई। तो सबसे पहले सेंसरी, फिर उसके बाद कंक्रीट चीजों के बारे में। आप बच्चे देखते हैं ज्यादा, फिर वो, फिर उनके बाद में अमूर्त सोच का विकास होता है, अमूर्त विकास उनका होता है। पहले कंक्रीट, तो बच्चे को हम कहते हैं कि आप चीजें दिखाओ। छोटे होते हैं बच्चों को ज्यादा, हमारे पास विजिबल चीजें ज्यादा होती है जब बच्चे छोटी कक्षाओं में होते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? देखो एक प्रगतिशील कक्षा है तो व्यक्तिगत विभिन्नता, हम कहते हैं नो टू मेन आर अलाइक सेम दैट, कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। किसी भी कक्षा की बात हो, चाहे असल इन्होंने स्पेशली कह दिया प्रगतिशील कक्षा में, तो कोई भी, मुझे तो ऐसा लगता है किसी भी कक्षा में हो तो वो रुकावट है, बिल्कुल नहीं है, बाधा का काम करती है वो। ये तो नेचुरल है, वो अलग अलग ही होंगे, कोई भी है एक जैसा नहीं होगा, बाधा का काम नहीं होंगे। तो क्या ये अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, क्या ये अध्यापक की नाकामयाबी है कि वो बच्चे अलग अलग हैं? नहीं, ये तो हमारा क्रम है, ये तो नेचुरल चीज है, इसमें अध्यापक का कोई रोल नहीं है। तो क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप तो इसलिए है ताकि बच्चों का आप समूह बना सको कि ये बच्चे होशियार है, ये बच्चे अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे टॉपर हैं, ये बच्चे जो है वो नहीं टॉपर हैं, कम पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप पहले ध्यान रखोगे ना कि कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, मेरी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। तो कुछ लोग तो जल्दी बात समझ लेते हैं, कुछ लोग देरी से समझते हैं, तो मुझे सबका ध्यान रखना है, सबके लिए प्लानिंग करनी है। ये नहीं है सिर्फ आगे बैग जो है स्टार्टिंग बेंचर वालों के लिए मुझे पढ़ना है ना पढ़ाने, नो, मुझे बैक बेंचर्स को भी पढ़ाना है, मेरी क्लास में बच्चे एवरेज भी हैं, तेज वाले में, सबका मैंने ध्यान रखना है। तो इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रुकावट बिल्कुल नहीं है। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, यानी एक इंक्लूसिव क्लासरूम है उसके ऊपर क्या जोर होना चाहिए, लक्ष्यों के ऊपर या समरूप जो आप निर्देश बच्चे को निर्देश दे रहे हो, जो भी अभिवेदी है जिनके ऊपर क्लियर नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो क्या आप सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो? अलग तो हमने करना ही नहीं है, ठीक है ना। समावेशी कक्षा तो जोड़ने की बात करती है, अलगाव की बात तो कतई नहीं करती, कतई नहीं करती ये बात, ठीक है जी। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए आया था जोड़ना बच्चों को, जो भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले, जो भिन्न भिन्न शारीरिक जरूरतों वाले बच्चे हैं उनको आप एक साधारण कक्षा में जोड़ दो, तो उनके हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उनको आप ज्यादा से ज्यादा मौके दो, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा आगे आए, चाहे वो किसी भी तरह के समर्थ रखता है बच्चा, शारीरिक सामर्थ्य उसका जो है वो मान लो दूसरों से अलग है, लेकिन आप इंक्लूसिव क्लासरूम में उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दोगे ताकि वो भी बच्चे जो है वो आगे आए। एक एक्ट आया स्टूडेंट RPWD, पहले ही 1995 में आया था जब इसकी 7 डिसेबिलिटी की बात की थी, पहले RP राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, फिर RPWD जो है वो 2016 में इंप्रूवाइज्ड होके आया, जिसके अंदर 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया। तो वो किसके लिए यूज किया जाता है? दिव्यांगजन जो है वो किसके, मंदिर छात्र के लिए नहीं, विकलांग या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी, तो बिल्कुल जैसे कि क्लियर हो गया, यहां भी दिव्यांग है, यहां भी दिव्यांगता है, और यहां भी डिसेबिलिटीज है, तो यहां भी फिजिकल, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो छात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग है, अपंग है, शारीरिक रूप से जो वो हैंडीकैप्ड है, उसके बारे में इस एक्ट ने बात की थी, और बहुत सारी बातें इसने की थी कि हम लोग इसको 40% जिसका रेशो होता है, 3 से लेकर 4% तक जो इनकी 4% रिजर्वेशन है हमारी कैटेगरी के अंदर, तो ये जो शारीरिक दिव्यांगता से ये एक्ट संबंधित है।
तो अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड हैं, जैसे जो बच्चे रीडिंग डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, डिसफेजिया से पीड़ित हैं, डिसग्राफिया से पीड़ित हैं, जो बच्चे अप्राक्सिया से पीड़ित हैं, जो बच्चे नंबर एलेक्सिया से पीड़ित हैं, ठीक है जी, तो उनको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने बुलेट भी लगाया हुआ है, देखो क्या नहीं, नोट। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल तो वो करेगा, ये तो करेगा, ये नहीं आएगा। और पैडागोगिकल अप्रोच को भी वो अपनाएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये सही हो गया ना। तो हमने गलत बताना है इसमें, हमने गलत बताना है क्या वो नहीं करेगा। तो इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, क्या नहीं करेगा, रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं अपनाएगा। अध्यापक ने किसी भी क्लास के अंदर रिजिड प्रैक्टिस को अप्लाई नहीं करना है। ये वैसे आपको फैक्ट है कि अध्यापक जो है वो किसी भी क्लास के अंदर, चाहे आप इसको एक लॉजिक मान के चले, कभी भी नकारात्मक नहीं होता और कभी भी रिजिड स्ट्रक्चर को अध्यापक जो है वो फॉलो नहीं करता, चाहे वो कोई भी क्लास हो। तो अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को जटिल संरचनाओं का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन अवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल पीडीएफ्स, सर्च सावल सीटेट ऑन टेलीग्राम। तो आप प्ले स्टोर में जाएं, सावल क्लासेस टेलीग्राम को डाउनलोड करें और उसके बाद सावल सीटेट के नाम से आप टेलीग्राम सर्च करें तो मिशन सीटेट आ जाएगा, जहां पर सब ब्रैकेट में लिखा होगा सावल क्लासेस। तो काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन दिस वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो आप इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो वो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स को चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हमारे ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो है वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि भविष्य में आपको बहुत फायदा मिले और हम लोग सीटेट क्रैक कर ले। सृजनात्मकता की पहचान का पहला लक्ष्य क्या है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को पहचान करनी है तो पहला लक्षण क्या है? लो कंप्रीहेंशन, नहीं। हाइपर एक्टिविटी, ज्यादा सक्रियता, नो। या इन अटेंटिवनेस, असतर्कता, नो। हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द राइट आंसर। जहां पर बच्चे जो हैं एक प्रॉब्लम को कई वे से हल कर सकते हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन, बिल्कुल ठीक है। अब सारी चिंतन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? अब सारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होता है अभिसारी, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। एक होता है अभिसारी, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट, क्योंकि आप लोग पंजाबी मीडियम में कई बार पढ़ते हो। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं। अब मतलब एक प्रॉब्लम को कई तरीकों से, एक सवाल को कई तरीकों से हल करना, वो क्रिएटिविटी की पहचान है, वो सृजनात्मकता की मुख्य पहचान मानी गई है। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, अ टीचर शुड, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी एक बच्चे जो है वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बच्चे जो है वो क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, अलग अलग घरों से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए तो वो क्या करना चाहिए एक अध्यापक को, ताकि बच्चे सुगमतापूर्वक अपनी कक्षा में सीख सके। तो उनकी बात को टाल देना चाहिए, नहीं टालना तो नहीं है हमने, बिल्कुल नहीं, ये हमें टीचिंग अप्रोच नहीं अपनानी है टालने वाली। तो सभी के लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट असेस करने की कोई जरूरत नहीं अभी आपको। तो रीड अभी आ गया ना, स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, तो ऐसे कसरों का इस्तेमाल करें जो बच्चा अलग अलग देखो आ रहा है, तो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। नहीं वो कि तेरा कल्चर बेटर है, तेरा बैकग्राउंड बेटर है, तेरा बेटर है, ये बैकग्राउंड वाले ये कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड वाले ये नहीं कर सकते, वही जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया ना। तो अध्यापक कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट नहीं करेगा, वो तो ये कह सकता है कि आप लोग एक हो, तो उसमें क्या करेगा, ड्रा एग्जाम्पल फॉर डाइवर्स सेटिंग। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, एक इस बैकग्राउंड का ले लिया, एक दूसरे बैकग्राउंड का ले लिया, एक तीसरे बैकग्राउंड का ले लिया। तो जिन जिन बच्चों से आ रहे हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से, तो विभिन्न विन्यासों से वो उदाहरण लेकर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो वो अच्छा काम करेगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय ड्रिल और प्रैक्टिस के दौरान, फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉग्स, या जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स। तो लगातार अभ्यास नहीं कर किया जा सकता, साध्य करने ना, तो आपने मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ावा भी देना चाहिए। तो जो एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉग्स हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर,
तो आप उनको एनकरेज करें, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग को अवेलेबिलिटी को आप क्या देखो, बच्चों को बार बार एक प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम सेम नहीं होती है, हमेशा अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो आप प्रैक्टिस से नहीं बात बनेगी, फिक्स प्रोसेस से नहीं बात बनेगी, बात किससे बनेगी? आप बच्चे को सबसे पहले एनकरेज करो, उत्साहित करो, उसको बढ़ावा दो ताकि वो जो भी उसके सामने चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए। सी इज द डर तो पैदा ही नहीं करना हमने, डर पैदा करेंगे तो डर नहीं पैदा करना बच्चों के मन में कभी भी हमने। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभी प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो मोटिवेशन इज गोल्डन रोड टू लर्निंग, आपने पढ़ा है। अधिगम की सुनहरी सड़क, अधिगम कहते हैं सुनहरी सड़क कहते हैं, अधिगम क्या है? लर्निंग की सुनहरी सड़क है, गोल्डन रोड टू लर्निंग इज कॉल्ड मोटिवेशन, इट इज गोल्डन रोड टू लर्निंग। तो अधिगम की सुनहरी सड़क हम इसको कहते हैं, अधिगम की सुनहरी सड़क मोटिवेशन। तो किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? पनिश करके नहीं, आसान टास्क देके, तो कितनी बार आसान टास्क दे लोगे? नहीं। तो रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, हाँ आप उनको फोकस करो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, जिन लक्ष्यों को लेकर आप क्लास में वो आए हैं, जिन लक्ष्यों को लेकर आप क्लास में गए हो उसके ऊपर आप जोर दो ताकि बच्चे जो है वो मोटिवेट कर पाए, ठीक है जी। शर्मिंदगी क्या है? शेम, शर्मिंदगी होती है ना, बच्चे क्लास में शर्म महसूस करते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कई बार शर्मिंदगी का इस तरह आलम हो जाता है कि हम लोग जो है वो कई बार नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो ये क्या है? इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या इसका नेगेटिव इंपैक्ट है हमारे कॉग्निशन पर, या वेरी इफेक्टिव है, अच्छी बात है चाइल्ड को लर्न करने के लिए, बार बार आप उसे शर्मिंदगी महसूस करवाओ, नहीं ऐसा नहीं है, बार बार हम बच्चे को कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करवानी चाहिए। तो वे के बार को अध्यापन नहीं नहीं शुड बी जिन्हें, तो जो है बिल्कुल, तो शर्मिंदगी का जो है वो हमारे शर्मसार होना, शेमफुल का जो है वो हमारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारी कॉग्निशन पे, कोई आप बार बार आपको शर्म आ रही है बार बार, तो इसका जो है वो नेगेटिव इंफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है, तो कई बार हम गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, तो शर्मिंदगी जो है वो हमारे बुद्धि पर भ्रष्ट कर देती है, तो वो ये सारी चीजें जो उसके अंदर शामिल है, तो उसका जो है वो हमारे कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निशन का, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल पड़ सकता है बार बार अगर आप बच्चे को शर्मिंदगी महसूस कराओगे। तो सबसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मोड कौन सा है सबसे इफेक्टिव? रोट मेमोराइजेशन नहीं, बच्चे कितनी बार नकल करेंगे? सबसे जो अधिगम, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? कभी भी अनुकरण करना, नकल करना, दोहराना नहीं है, विषय वस्तु को रेक्टिफिकेशन उसकी जो है यंत्रवत याद करना नहीं है, और बिना विश्लेषण के अवलोकन करना नहीं है। तो जो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, तो टीचिंग लर्निंग जो है वो आप क्या पढ़ा रहे हो और आप क्या पढ़ा के गए हो उसके बीच जो आपका रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा उस चीज को क्लियर रखते हैं। तो ए टीचर शुड एनालिसिस द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, तो बच्चे जो है क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर दिए गए कार्यक्रम में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यक्रम में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पुनिश कर सके? नो, क्योंकि वो बच्चों को एक जिसकी गलतियां ज्यादा है और जिसकी गलतियां कम है उसको अलग कर सके? नो। या ये रिसर्च करेंगे और उसके ऊपर निर्भर होगा इसमें रिसर्च करने की इतनी, केवल ना ना केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। वो कहते हैं लर्निंग है ही निर्भर इसके ऊपर, नहीं, लर्निंग में तो और सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो त्रुटियों की समझ जो है ना अधिक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो बच्चे ने गलती की, अध्यापिका ने उसकी गलती निकाल दी, अंडरस्टैंड ऑफ एरर, बच्चा भी समझ गया ये गलत है इसको मैंने ठीक करना है, बच्चा अगली बार क्लास में आया ठीक करके आ गया, तो इसका मतलब वो जो गलती है वो हमारी अध्यापन अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, मीनिंगफुल है। तो अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो उसकी समझ, उसको रिमूव करना उसके बाद, वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न वेन, बच्चे को सीखने में कठिनाई तब होती है जब जब उसकी उसकी सूचना जो है वो अलग अलग टुकड़ों में
प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल एक सूचना कब, एक सूचना 10 मिनट बाद, 15, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दो। एक कविता मान लो पढ़ा रहे हैं बच्चा क्लास के अंदर, कक्षा में बच्चा कविता पढ़ा रहा है, तो कविता को कितना जो है वो कितने अलग अलग टुकड़ों में, कितने बड़ी बड़ी कर, जितना उसके टुकड़े हैं उसका ही है, तो उसको ज्यादा नहीं बड़ा करना, ज्यादा नहीं कम करना। आंतरिक रूप से अभी प्रेरित हो तो ये तो बिल्कुल सीखने में लाभदायक है, ये भी लाभदायक है, सामाजिक संदर्भ लाभदायक है ये। और यहां कठिनाई पूछी गई है तो बिल्कुल, अगर आप किसी कंटेंट को, किसी विषय वस्तु को बहुत रूपों के अंदर प्रस्तुत कर रहे हो, बहुत विधियों के अंदर प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो तो बहुत लाभदायक है, लेकिन जब आप सूचना को अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में ज्यादा बांट दोगे, तब बच्चे को सीखने के अंदर कठिनाई होगी। अगर आप गणित कराने जा रहे हो, अगर आप विज्ञान पढ़ाने जा रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हो, भाषा का आप पढ़ाने जा रहे हो, तो सूचना को जब आप अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करोगे ज्यादा, तो डिसकनेक्टेड चंक्स, तो अलग अलग जो है वो बिना बात के आप टुकड़ों में बांट दो, तो वो बच्चों के लिए कठिनाई का सामना होगा। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, निम्न उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, हाई अराउजल, हाई फियर, लो अराउजल, हाई फियर, मॉडरेट अराउजल, नो फियर, नो अराउजल, नो फियर। तो बिल्कुल जो है वो मॉडरेट अराउजल और नो फियर। तो जब आप कोई डरते, बिना डर के, अगर बहुत ज्यादा भय होगा ना, तब हम कभी सीखेंगे नहीं, हमारी लर्निंग नहीं होगी, फिर तो हम एक बस डर की वजह से बैठे हैं और कुछ नहीं है। अगर मैंने क्लास में कहा है कि आओ, अटेंडेंस की वजह से आपने आने हैं, बच्चे अटेंडेंस के भय से आते हैं, सीखने के मंशे से नहीं आते, सीखने के उद्देश्य से आते नहीं आते, तो आपका जो उत्तेजना संतुलित होनी चाहिए, ना उच्च हो ना निम्न हो, और सीखने का कोई भय ना हो, बिना किसी भय के आप खुले मन से, अपनी इच्छा से, अपनी तत्परता से क्लास में आए हो, कोई भय नहीं है, तो वो बेस्ट स्टेट है लर्निंग की। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर ओन नॉलेज। आजकल मैंने आपको बताया कि ज्ञान को क्लास में संरचना करने का एक मुख्य है। आज बच्चे क्लास में जो ज्ञान को पैदा करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं, तो वो क्या है? ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं केवल वयस्कों की होती है, नहीं, और केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, तो बच्चे जो है वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चिल्ड्रन जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में क्लासेस के अंदर प्ले एन वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका बिल्कुल निभाते हैं। तो वो बच्चे जो है ज्ञान नॉलेज को क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, तो लर्निंग के लिए क्या गुड है? एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स्ड, एफर्ट्स डन डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। तो ये कोई उपयुक्त नहीं है। एबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सुना है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये भी गलत है। और असफलता अनियंत्रित है, नहीं, आप उसको मेहनत करो, सीटेट क्रैक करो, और एक बार मान लो सीटेट मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने अगली बार मेहनत की तो मैंने उसको पास कर लिया, तो ये अनियंत्रित नहीं है, नियंत्रित है। आप जितनी मेहनत करोगे आप उसको नियंत्रित कर सकते हो। और योग्यता अटल नहीं है, आज मेरा सीटेट नहीं क्लियर हुआ, मेरी एबिलिटी नहीं पूरी हो पाई, तो मैं कल को उसको मेहनत करके, प्रैक्टिस करके उसको चेंज कर सकता हूं। तो योग्यता जो है वो एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, बिल्कुल है, बिल्कुल इंप्रूवेबल है। आप ज्यादा मेहनत करिए आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इंप्रूव इन द सेटिंग्स व्हिच एम्फसिस ऑन, निम्न में से कौन सी परिपाटी होता है जो पीछे से चलती आ रही है, विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो क्या कॉम्पिटिशन, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पैडागोजी, या फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार एग्जामिनेशन लिए जाए, या इंक्वायरी एंड डायलॉग? तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर तो बच्चे की, अगर आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का जमाना है आजकल ऑब्जेक्टिविटी है, तो उसके लिए हम बच्चों को क्या करेंगे, इंक्वायरी एंड डायलॉग को प्रमोट करेंगे, उसके ऊपर एम्फसिस देंगे। तो सच में इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा, टाबा का इंडक्टिव मॉडल आपने पढ़ा है, तो बच्चे का आपसी में संवाद, बच्चे की आपसी विचारों को वेलकम करना, और इंक्वायरी, इनोवेशन और संवाद से पढ़ाना,
तो वो खुद इंक्वायरी कर करके सीखेंगे, तो उनकी जो है खुद की कंसेप्ट है वो ज्यादा ब्रॉड होगी, ज्यादा वो है उस चीज को कंसेप्चुअल सीख पाएंगे। अन्वेषण के अनुसार इंक्वायरी के दौरान तो आपने सचमैन सकमैन का जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है टीचिंग के अंदर, वो भी काफी सारा हेल्प करता है, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य पर किसी कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है, मतलब एक बच्चा है, एक साइना है, वो अपने आप से बात कर रही है कि मैं इस कार्य में कैसे प्रगति कर सकती हूँ। तो वो वाइगोस्की के अनुसार के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक प्राइवेट स्पीच कर रही है, वो अपने आप से बातें कर रही है साइना कि मैं अपने सीटेट को किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकती हूँ, किस प्रकार से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसको पास कर सकती हूँ, उसमें उत्तीर्ण हो सकती हूँ। तो उसमें क्या है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं है, ईगो की बात नहीं कर रही है वो, कोई इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रही है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने प्रोग्रेस लेनी है, मैंने तरक्की करनी है, मैंने पीएचडी करनी है, मैंने ये काम करना है, तो वो अपने आप को रेगुलेट करनी है कि मुझे रोजाना पढ़ना पड़ेगा, मुझे नियमित कक्षाएं लगानी पड़ेंगी, तो वो रेगुलेट जो है वो रेगुलर क्लासेस को मुझे लगाना पड़ेगा, तो वो इस बारे में अपने आप से बात कर रही है, तो वो अपने आप को रेगुलेट कर रही है। इसके अंदर मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो जो मूल्यांकन पद्धतियों का आप कक्षा में इस्तेमाल करते हो, जो आप इवैल्यूएशन करते हो, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट नहीं, बच्चों को अलग करना, योग्यता के अनुसार ग्रुप बनाने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आजकल, बिल्कुल भी बच्चों को सेग्रेटेड नहीं किया जाता। तो आइडेंटिटी, तो इसमें हमने ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अकेला आप सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एग्जाम लेते हैं, नहीं अकेले, लेकिन हम क्या करें, बच्चों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पहचान सके। देखो फॉर्मेटिव और सममेटिव, तो दोनों इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं, तो बच्चा जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप कर रहे हो, क्लास में आपने एक टेस्ट लिया, तो टेस्ट के बाद आपको पता चल गया कि बच्चे जो है किस स्तर पर सीख रहे हैं, तो उसकी जरूरतें क्या है और उनकी आवश्यकताओं को पहचान करने की जरूरत है, तो ये जो है प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा मुख्य एम है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, तो स्टूडेंट की नीड्स को जरूर ध्यान रखा जाएगा। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विकास किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, केवल अनुवांशिकता की वजह से होते हैं, केवल पर्यावरण की वजह से होते हैं, या इन दोनों में से किसी पर नहीं होते, या दोनों की परस्परता पर होते हैं। तो बिल्कुल जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो वंश और वातावरण, यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता पर होते हैं, वो अनुवांशिकता भी निर्धारित करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हमारा वातावरण है, तो कई मूवीज इसके ऊपर आ चुकी हैं, तो अलग अलग वातावरण में रहने, अलग अलग पर्यावरण में रहने की वजह से वो जो है लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, तो बच्चे का विकास जो है वो अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है, और व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो पर्यावरण पर भी निर्भर करती है। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको इन 30 प्रश्नों में से कोई भी शंका नहीं रही होगी। अगर आप किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी ग्रुप से जुड़ने के लिए, आप हमारे जो है स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं सावल क्लासेस के, तो आप इन पर कॉल कर सकते हो, और कॉल करके जो है वो आप हमारे किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो ये जो है सीटेट का मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप सबका थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल, आप सबका पुनः आभार। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप मत भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।